हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 3.3 का पहला जो क्वेश्चन उसको करते हैं। इस पहले क्वेश्चन को जब आप कर लेंगे तो सारी प्रश्नावली ही आप सोल्व कर सकते हैं। अगर पहला आपकी समझ में आ गया है तो पूरी की पूरी प्रश्नावली को आप बड़े आराम से हल कर सकते हैं। क्या करना है इसके अंदर, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य हैं, 9 से, 10 से और 11 से विभाज्य हैं। हाँ या नहीं बताना आपको। अब इनको विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करना है, यानी कि अपने को भाग नहीं करके देखना है, नियमों का प्रयोग करके ये बताना है कि ये संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से पूरी पूरी भाग होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए हमें विभाज्यता के नियमों का पता होना चाहिए। हम इनको कैसे करेंगे, बारी बारी से करेंगे। जैसे ये जो सारी संख्याएं दे रखी हैं यहाँ पे 128, 990, 1586, 275 जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, पहले 2 से चेक करते हैं सभी को, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से, सबको बारी बारी से चेक करते हैं। तो सबसे पहले 2 वाली देखते हैं। 2 का नियम क्या है? 2 का नियम ये है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4, 6 और 8, 2 0 2 4 6 8, अगर इनमें से कोई भी एक अंक अगर इकाई का है, किसके अंक होने चाहिए आपके, इकाई के, अगर ये अंक इकाई के हैं तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अगर आप उसको भाग करके देखेंगे तो कोई भी संख्या, उसका सिर्फ आपको इकाई का अंक देखना है। अब पहला जो है वो इसने एक एग्जांपल दे रखा है, खुद ने 128 दे रखा है। 128 में इकाई का अंक क्या है, 8 है आपका। 8 2 से भाग होता है? हाँ होता है, तो संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। फिर दे रखा है 990, 990 जो है इसके अंदर इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो हमने बताया क्या था, क्या क्या होना चाहिए लास्ट में, 0 2 4 6 8, 0 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 2 से भाग हो जाएगी। इसमें इकाई का अंक 6 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 2 से भाग हो जाएगी। इसमें इकाई का अंक 5 आ गया, यानी कि 0 2 4 6 8 में से नहीं है तो ये भाग नहीं होगी। इसमें इकाई का अंक क्या है, 6686 में इकाई का अंक 6 है तो ये भाग हो जाएगी। इसमें इकाई का अंक क्या है, 0, तो ये भी भाग क्या हो जाएगी, हो जाएगी। इसमें इकाई का अंक 4 है तो ये भाग हो जाएगी। इकाई का अंक 6 है, भाग हो जाएगी। इकाई थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं, हाँ ये जैसे यहाँ 0 में हाँ, अगर 4 है तो भी भाग हो जाएगी, 6 है तो भी भाग हो जाएगी, 0 है तो भी भाग हो जाएगी, लेकिन लास्ट वाली में जो है 406,839 में इकाई का अंक क्या है, 9 है तो ये भाग नहीं होगी। यानी आपने किस बात का ध्यान रखना था, इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये हैं तो 2 से भाग होगी, वरना 2 से भाग नहीं होगी। ये तो हमने 2 के लिए चेक किया। अब 3 के लिए करने के लिए क्या करते होते हैं, कोई भी संख्या ले लेंगे हम जो है, जैसे इसने शुरू में एग्जांपल ले रखा है 128 का, तो 128 जो है इसके अंकों का जोड़ करिए आप, 1 + 2 + 8, 8 10 और 1 11, फिर 11 को भाग करके देखिए 3 से, अगर ये पूरा भाग हो जाए तो भाग होगी, अगर शेष बच गया कुछ फिर भाग नहीं होगी। तो जैसे इसमें 128 दे रखा है शुरू में, ये 128, अब 128 जो है इसका जोड़ कितना बन गया, 11 बन गया, और 11 3 से भाग नहीं होता तो ये भी 3 से भाग नहीं होगी। फिर दे रखा कि 990, 990 का अगर हम करते हैं तो 990 के अंकों का अगर जोड़ करेंगे, 990 के अंकों का अगर जोड़ करेंगे तो 9 + 9 + 0 कितना होगा जोड़, इनका 18, 18 3 से पूरा भाग हो रहा है, हाँ हो रहा है, 3 से के 18, तो ये संख्या 990 जो है आपकी भाग होगी, किससे 990 भाग किससे हो जाएगी, 3 से भाग हो जाएगी। उसके बाद अगली जो संख्या है वो दे रखी है 1586, तो 1586 को लेते हैं हम, 1586 इसके अंकों में जोड़ करेंगे, 1 और 5 6 6 और 8 14, 14 और 6 20, 8 से 14 19 20, 20 3 से भाग होता है, पूरा भाग नहीं होता तो ये भाग 3 से फिर नहीं होगी। अगली संख्या है 275,
275 के अंकों जोड़ करके देखिए, 2 और 7 9 9 और 5 जोड़ कितना हो गया 14। तो क्या 14 3 से भाग होता है? नहीं होता। तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। फिर देखा आगे 6686। तो इस 6686 में देखिए, 6686 इसके अंकों में जोड़ करिए, 6 6 12 12 8 20 20 और 6 26। तो क्या 26 3 से पूरा भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। उसके बाद अगला दे रखा है 6,39,210। 6,39,210 6,39,210 अंकों का जोड़ करिए, 6 और 3 9 9 9 18 18 2 20 20 और 1 21। तो जोड़ कितना आ गया? 21। तो क्या 21 3 से भाग हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी आपकी? फिर 3 से भाग हो जाएगी। 6 3 9 9 9 18 18 2 20 20 और 1 21। अगली जो संख्या है वो दे रखी है आपकी, अगली जो संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है? 4,29,714। इसके अंकों में जोड़ करिए, 4 और 2 6 6 और 9 15 15 और 7 22 22 और 1 23 23 और 4 27। अंकों का जोड़ कितना है? 27। 27 3 से भाग होता है पूरा? हाँ जी पूरा भाग होता है। तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। उसके बाद क्या है? 2,856। तो 2,856 2,856 इसके अंकों का जोड़ करिए, 2 और 8 10 10 और 5 15 15 और 6 21। 2 और 8 10 15 6 21। 21 3 से भाग हो रहा है? हाँ जी 3 से 21 पूरा भाग हो रहा है। तो 2,856 फिर आपकी क्या हो जाएगी? 3 से भाग हो जाएगी। तो हाँ, उसके बाद क्या है? 3,060। उसके बाद क्या ले रखा है? 3,060 3,060 के अंकों का जोड़ करिए, 3 और 6 जोड़ो कितना हो गया? 9 9। 3 से भाग हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो 3,090 भी जो आपकी 3 से भाग हो जाएगी। और जो उसमें नीचे वाला क्या है वो 4,00,000 ये है 4,00,000 और है आपका 6,839 ये है। इनका जोड़ करोगे, 6 और 4 10 10 और 8 18 18 और 3 21 21 और 9 जोड़ कितना हो गया? 30 30। 3 से भाग हो रहा है? हाँ जी 3 दाएं 30 पूरा भाग हो रहा है। तो ये संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी? 3 से भाग हो जाएगी। तो ये हमने देखा 3 का। अब बात करते हैं 4 की। 4 के लिए पहले नियम का पता होना चाहिए। नियम क्या है 4 के लिए? 4 के लिए जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखा है 128 शुरू में, जो खुद ने दे रखा है एग्जाम्पल 128। तो 4 के लिए क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट लेनी पड़ेगी आपको, इकाई और दहाई का अंक। या तो दोनों क्या हों? 0। या तो दोनों 0 या फिर लास्ट के 2 अंकों से जो संख्या बने ना वो क्या होनी चाहिए? 4 से भाग होनी चाहिए। लास्ट के 2 अंकों की संख्या, इकाई और दहाई से जो संख्या बने वो 4 से भाग होनी चाहिए। अगर वो 4 से भाग हो जाए लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या, या दोनों अंक 0 हो जाएँ, तो संख्या आपकी 4 से भाग हो जाएगी। जैसे 128 का एग्जाम्पल दे दिया, इसने क्या लिख दिया? हाँ लिख दिया। उसके बाद अगला क्या है? 990। अब 990 जो है, ये 990। अब 990 की बात करें तो लास्ट के 2 अंक क्या हैं इसके? 90 हैं। 90 को क्या करके देखेंगे हम? 4 से भाग करके देखेंगे 90 को। 4 2 8 9 में से 8 गए 1 0, 4 2 8 2 बच गया शेष। तो इसका मतलब भाग ही नहीं होगी, 990 भाग नहीं होगी। फिर अगला क्या दे रखा है? 1,586। और 1,586 में लास्ट के 2 अंकों से संख्या क्या बनती है? 86 बनती है। और 86 को जब आप 4 से भाग करके देखोगे तो 4 2 8 6 उतारेंगे, 4 1 4 और 6 में से 4 के कितने बच गए? 2 बच गए हैं। तो शेष आ गया, तो पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, 86 लास्ट में है। तो ये संख्या 4 से भाग नहीं होगी। उसके बाद अगली संख्या दे रखी है 275। ये 275 ये 275। तो 275 को देखते हैं। 275 के अंदर आखिरी के 2 अंक क्या हैं? 75 बनाए। तो 75 को 4 से भाग करके देखिए, 4 1 4 7 में से 4 गए 3 35 और 4 8 32 शेष कितना रहेगा? 3। पूरा भाग नहीं हुआ। तो 275 जो है 4 से भाग नहीं होगी। अच्छा जी, उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद दे रखा है 6,686। 6,686। अब 6,686 इसमें लास्ट के 2 अंकों से संख्या क्या बन रही? 86 बन रही। तो हम 86 को भाग करके देखेंगे किससे? 4 से। 4 2 8
उतार लिया छः, चार एकम चार, छः में चार के दो शेष बच गया, तो पूरा भाग नहीं हुई, तो ये संख्या भी चार से भाग नहीं होगी। उसके बाद अगली संख्या क्या है, 649,210, 649,210। इसमें लास्ट की दो डिजिट, लास्ट के दो अंकों संख्या क्या बन रही, 10, तो क्या 10 चार से भाग होता है, नहीं होता, तो ये संख्या भी चार से भाग नहीं होगी। उसके बाद है आपका 429,714, 429,714। इसके आखिरी के दो अंकों से संख्या क्या बन रही, 14, तो 14 चार से भाग होती है, नहीं होती, तो ये संख्या भी चार से भाग नहीं होगी, भी ये संख्या भी चार से भाग नहीं होगी। चार वाले नोट्स भी क्या हैं, भाग नहीं हो रहे हैं अब तक। तो उसके बाद क्या है, 2856, तो 2856, 2856 लास्ट के दो अंकों संख्या क्या बनी, 56 बनी है, तो 56 को भाग करके देखेंगे चार से, चार एकम चार, पाँच में से चार का एक 16, और चार चौके 16, ये पूरा पूरा भाग हो गया, तो इसका मतलब जो 2856 जो है वो चार से भाग हो जाएगी। फिर आ गया आपका 3060, 3060 के अंदर देखिए, 3060 में आखिरी के दो अंकों संख्या क्या बनी, 60, 60 को भाग करके देखिए चार से, चार एकम चार, छः में से चार गए दो, जीरो उतार ली, और चार पंजे 20, पूरा पूरा भाग हो गई, हाँ जी हो गई है, तो 3060 में फिर क्या हो जाएगी आपकी, चार से भाग हो जाएगी। और लास्ट जो इसमें क्या है वो 406,839, 406,839, 406,839 आखिरी के दो अंकों संख्या क्या बनी है, 39 बनी है, 39 चार से भाग होती है, चार निम 36 नहीं होती, नहीं होती, तो ये संख्या चार से भाग नहीं होगी। ठीक है जी, तो हमने किसका किया, चार का कर लिया है। अब चार के बाद जो है किसका करेंगे, अब चार के बाद हमने किसको चेक करना है, पाँच को चेक करना है, चार के बाद हमने चेक करना है पाँच को, और पाँच को जब चेक करेंगे तो पाँच के लिए पहचान क्या है, पाँच के लिए क्या है कि बड़ी इजी सी है, इकाई का अंक जो है ना, या तो जीरो हो या पाँच हो, बस यही पहचान है, इकाई का अंक चाहे जीरो आ जाए चाहे पाँच आ जाए, बस इतनी सी पहचान करनी थी, इसमें कुछ ज़्यादा जोर नहीं लगाना आपको। तो 128 का जैसे इकाई का अंक क्या था, 8 था, इसलिए 5 से भाग नहीं हुई। 990 में इकाई का अंक क्या है, जीरो है, तो ये भाग हो जाएगी, क्योंकि जीरो और 5 होना चाहिए। इसका इकाई का अंक क्या है, 6, जीरो है 5 नहीं है, तो भाग नहीं होगी। 275 में इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो भाग हो जाएगी। 6686 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो भाग नहीं होगी। और 649,210 में इकाई का अंक 649,210 में इकाई का अंक क्या है, जीरो है, तो भाग हो जाएगी। और 429,714 में इकाई का अंक क्या है, चार है, होना क्या चाहिए, जीरो और पाँच, तो भाग ये नहीं होगी। फिर 2856 में इकाई का अंक 6 है, जीरो है, पाँच नहीं है, तो भाग नहीं होगी। इसमें इकाई का अंक क्या है, जीरो है, तो भाग हो जाएगी। और लास्ट में इकाई का अंक क्या है, 9 है, तो ये भाग आपकी नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं 6 की, 6 के लिए क्या है, 6 के लिए क्या है, जैसे 6 के लिए मान लीजिए 290 है, 290 दो से भाग होती है क्या, हाँ होती है, क्यों, क्योंकि इकाई का अंक जीरो है। 3 से भाग होती है, हाँ होती है, 9 और 9 18, तो 18 3 से भाग हो रही, हाँ हो रही है, तो ये 990 फिर 6 से भी भाग हो जाएगी, 6 से भी भाग हो जाएगी, 6 से भी होगी भाग ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य हो ना, दोनों से विभाज्य हो, तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से भाग हो रही हो, 2 और 3 से, तो 6 से भी भाग हो जाएगी। तो हमने इस टेबल को देख लेना है, अगर 2 और 3 दोनों से हो रही है तो हाँ, और नहीं तो नहीं। 990 2 से हो रही है, हाँ, 3 से हो रही है, हाँ, तो 6 से भी होगी, हाँ होगी। अगला 2 से हो रही है, हाँ, 3 से हो रही है, नहीं, तो भाग नहीं होगी, दोनों से होनी चाहिए 2 और 3 से। 275 2 से हो रही है, नहीं, 3 से हो रही है, नहीं, तो ये भी नहीं होगी। फिर ये 6686 2 से हो रही है, हाँ, 3 से हो रही है, नहीं, तो नहीं होगी, क्योंकि 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए भाई। और 649,210
दो से हो रही है, हाँ। तीन से हो रही है, हाँ। तो ये आपकी छः से भी भाग होगी। उसके बाद ये 429,714 दो से भाग हो रही है, हाँ हो रही है। तीन से हो रही है, ऊपर लिखा दो से और तीन से, तो छः से भी भाग हो जाएगी, हाँ। फिर 2,856 दो से हो रही है, हाँ। तीन से, हाँ। तो छः से भी क्या हो जाएगी, हाँ भाग हो जाएगी। उसके बाद है आपका 3,060 दो से भाग हो रही है, हाँ। तीन से भाग हो रही है, हाँ। तो छः से भी भाग हो जाएगी। और लास्ट वाली जो दो से भाग हो रही है, नहीं, तीन से भाग हो रही है, हाँ, दोनों से नहीं हो रही ना, इसलिए भाग नहीं होगी। क्लियर है? तो इस ढंग से हमने जो है छः की विभाजकता को देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं आठ के लिए। आठ के लिए क्या करना पड़ेगा, आठ के लिए क्या करना पड़ेगा, आठ का देखते हैं। आठ में क्या होता है, या तो लास्ट के तीन अंक यानी इकाई दहाई सैकड़े से संख्या बने, जैसे 128 को ले लीजिए आप एक बार, जो पहली संख्या है, तो तीन अंक है, या तो तीन अंक क्या हो, जीरो, तीन अंक शून्य हो, या फिर तीन अंकों से जो संख्या बने ना, तीन अंकों से संख्या बने, वो तीन अंकों वाली संख्या किससे भाग होनी चाहिए, आठ से भाग होनी चाहिए, या तो तीन अंक क्या हो, शून्य हो, या लास्ट के तीन अंकों से बड़ी संख्या आठ से विभाज्य हो, या तो क्या हो, शून्य हो तीनों अंक, या तीन अंतिम अंकों से बनी संख्या आठ से विभाज्य होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो करते हैं, देखिए करेंगे तो पता चल जाएगा। सबसे पहले उदाहरण दे रखा है 128 का। 128 में चलो इसमें है ही तीन अंक, इसमें तो वैसे ही 128 को आप क्या करके देखिए, आठ से भाग करके देखिए, आठ 128 को आठ से, आठ एकम आठ, बारह में से आठ गए चार, उतार लिया आठ, आठ छिके 48, पूरा पूरा भाग हो रही है, इसलिए यहाँ क्या लिखा है, हाँ लिखा है। उसके बाद अगली क्या है, 990। अब 990 जो है वो तीन अंकों की संख्या है, तो इसको पूरी को भाग करके देखना पड़ेगा। इसका तो आठ एकम आठ, नौ में से आठ गया एक, उतार लिया नौ, आठ दूनी सोलह, नौ में से छः गए तीन, फिर क्या उतार लेंगे जीरो, और आठ दिए चौबीस, शेष रह गया छः इसके अंदर, पूरा भाग नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब 990 आठ से भाग नहीं होगी, आठ से भाग नहीं होगी। 990 के बाद क्या है, 1586 1586 की बात करते हैं, अंतिम तीन अंक से संख्या क्या बनती है, 586, तो हम 586 को चेक करके देखेंगे आठ से, आठ से करेंगे तो आठ से 48, आठ सत्ते 56, 56, आठ में छः गए दो, फिर क्या उतार लेंगे छः, आठ दिए 24, छः में चार गए, शेष दो बच गया, पूरा भाग नहीं हुई, पूरा भाग नहीं हुई, तो इसका मतलब ये 1586 आठ से भाग नहीं होगी। फिर क्या है, 275। अब 275 तीन अंकों की संख्या, इसको तो पूरा भाग करके देखना पड़ेगा आठ से, आठ दिए 24, सात में से चार गए तीन, उतार लिया पाँच, आठ चौके 32, पाँच में से दो गए तीन, पूरा भाग हुई नहीं हुई, पूरा भाग नहीं हुई, शेष बच गया तीन, तो 275 भी आठ से भाग नहीं होगी, नहीं होगी। अगली संख्या क्या है, 6686 क्या अगली संख्या, 6686, तो इसके अंतिम तीन अंकों से क्या संख्या बनी, 686, तो 686 को भाग करके देखिए आठ से, तो आठ 45, आठ सत्ते 56, आठ अट्ठे 64, तो आठ में से चार गए चार, उतार लिया छः, और आठ पंजे 40, शेष बच गया इसके अंदर पूरा भाग नहीं, तो इसका मतलब 6686 भी आठ से भाग नहीं होगी। उसके बाद क्या आपकी 639,210 क्या है, 639,210 अंतिम तीन अंक से क्या बनती है, 210 बनती है, तो सिर्फ 210 को भाग करके देख लीजिए आप आठ से, आठ दूनी सोलह, कितने बच गए पाँच, जीरो, आठ छिके 48, शेष कितना बच गया दो, पूरा भाग हुई नहीं हुई, नहीं हुई, तो ये इतनी बड़ी संख्या भाग करने जो हम लास्ट के तीन अंक चेक किए और क्या कह देंगे, संख्या आठ से भाग नहीं हो रही है। फिर है 429,714 अंतिम तीन अंकों संख्या क्या बनी है, 714,
तो हम क्या करेंगे, 714 को चेक करके देख लेंगे 8 से, 714 को, तो 8 8 8 8 64, 11 में से 4 गए 7, उतार लिया 4 और 8 नहीं 72, शेष कितना रह गया यहाँ पे 2, तो पूरा भाग हुई नहीं हुई। तो इसका मतलब आपकी जो 429714 है ये भी 8 से भाग नहीं होगी। फिर क्या है 2856, अगली संख्या क्या है 2856। अंतिम तीन अंकों से संख्या क्या बनी है, ये तीन अंक अंतिम क्या बनी है 856, भाग करके देखिए 8 से, 8 एकम 8, उतार लेंगे 5 नहीं जाएगा 0, फिर ले लिया 6 और 8 सत्ते 56, ये पूरा भाग हो गया। तो इसका मतलब 2856 क्या हो जाएगी 8 से भाग होगी, हाँ हो जाएगा। और अगली क्या है 3060 में अंतिम तीन अंकों संख्या क्या बनती है 0, 60 या 60 कह सकते हैं 60, 60 8 से भाग होती है नहीं होती, तो ये संख्या भी 8 से भाग नहीं होगी, ये संख्या 8 से भाग नहीं होगी। लास्ट वाले में क्या है 406,839, 406,839, अंतिम तीन अंकों से क्या बनी 839 बनी है, 839 को चेक करते हैं 8 एकम 8, तीन उतार लिया भाग नहीं जाता 0 चढ़ा दी, उतार लिया 9 और 8 चौके 32, 9 में से 2 गए 7, शेष रह गया 7, पूरा भाग नहीं, तो इसका मतलब संख्या भी 8 से भाग नहीं होगी। क्लियर है, तो ये हमने किसे चेक किया, सबको 8 से चेक किया। अब चेक करते हम जो है 9 से, अब 9 के लिए नियम क्या है, 9 के लिए क्या नियम है, 9 का नियम देखते हैं क्या है, 9 का नियम क्या है। 9 के नियम के लिए ये है, अगर जैसे संख्या पहले वाली इसी जो एग्जांपल 128 को ले लिया, सभी अंकों में जोड़ करके देखिए 1 और 2 3, 3 और 8 11, 3 की तरह 3 की में तो 3 से भाग करके देखते थे, 9 में 9 से भाग करके देखेंगे, 9 से भाग करेंगे 9 एक कम 9 11 में से 9 गए तो भाग नहीं हुआ, तो लिखा हुआ भी यहाँ पे आपकी जो 128 है वो 9 से भाग नहीं होती। ठीक है, अगली संख्या क्या है 990, तो 990 को जब चेक करोगे आप 990 के अंकों का योग 9 और 9 18 9 से भाग होती है, हाँ होती है 9 दून 18, तो इसका मतलब 990 क्या हो जाएगी आपकी 8 से भाग होगी, हाँ हो जाएगी 9 से भाग हो जाएगी हाँ। अगली क्या है 1586, अगली है 1586, अंकों का जोड़ करिए 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 9 से भाग होता है क्या, नहीं होता, तो ये संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी, 9 से भाग नहीं होगी, 9 से ये 10 में लिख दिया अभी 9 से भाग यहाँ आएगा कौन सी, हाँ ये रही 1586, 9 से भाग नहीं होगी यहाँ लिखना है। उसके बाद क्या 275, 275 को करके देखते हैं अंकों का जोड़ करिए 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 9 से भाग होता है क्या, नहीं होता, तो 275 भी 9 से भाग नहीं होगी। उसके बाद क्या 6686, 6686 अंकों का जोड़ करिए 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 6 26, 26 9 से भाग होता है क्या, नहीं होता, तो 6686 भी 9 से भाग नहीं होगी। उसके बाद क्या 639210, 639210 इसके अंकों का जोड़ करिए सबका 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, क्या 21 9 से भाग होता है, नहीं होता, तो ये संख्या भी 9 से भाग, ये संख्या ये 9 से भाग नहीं होगी। अगली संख्या क्या है 429714, 429714, 429714 सभी अंकों का जोड़ करिए 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27, जोड़ कितना आगे इनका 27, 27 9 के पहाड़ी में आता है क्या, हाँ 9 थी 27, तो इसका मतलब संख्या 9 से भाग हो जाएगी, हाँ हो जाएगा इसका। उसके बाद क्या 2856, 2856 जोड़ करिए 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 9 से भाग होता है क्या, नहीं होता, तो
2856 भी जो फिर 9 से भाग नहीं होगी, भी नहीं होगी। अगली क्या है, 3060 इसके अंकों का जोड़ करिए, 3 और 6 9, 9 एकम 9 की तो पूरा भाग हो रही है, तो इसका हम संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी, हाँ हो गया। और लास्ट जो है 406839, इसके अंकों का जोड़ करिए, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, 30 9 से भाग होता है क्या, नहीं होता, तो ये संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी, ठीक है जी। उसके बाद चेक करना 10 से, 10 की बड़ी आसान है, सबसे आसान है 10 की, 10 में क्या है, इकाई का अंक शून्य होना चाहिए, इकाई का अंक जो है वो शून्य होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन। तो 128 का दे रखा है पहले ही, 128 10 से भाग होती है, नहीं होती। 990 की इकाई का अंक क्या है, शून्य, तो ये 9 से 10 से भाग होगी, हाँ, तो ये हाँ हाँ गई, इसका आंसर भाग होगी। फिर क्या, 1586, इसका इकाई का अंक क्या है, 6, शून्य नहीं है ना, तो ये भाग नहीं होगी। इसका इकाई का अंक क्या है, 5, शून्य नहीं है ना, तो भाग नहीं होगी। इसका इकाई का अंक क्या है, 6, इसका 6000, तो ये भाग ये भी नहीं होगी। उसके बाद अगली जो है 639210 में इकाई का अंक क्या है, शून्य है, शून्य है तो भाग हो जाएगी। इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो भाग नहीं होगी। इसमें इकाई का अंक 6 है, ये रहा 6, तो भाग नहीं होगी। और इसमें इकाई का अंक क्या है, शून्य है, तो भाग हो जाएगी। और लास्ट वाले में इकाई का अंक क्या है, 9 है, तो भाग नहीं होगी, भाग नहीं होगी। अब रहेगा आपका 11 से पहचान, 11 में थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, 11 में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, 11 में क्या होगा देखते हैं, 11 में देखते हैं क्या होगा, 11 में देखिए, 11 के लिए क्या करना होता है, जैसे ये संख्या आपकी 128 ही मान लीजिए, 128 दाईं साइड से यानी कि 8 की तरफ से विषम संख्याओं का जोड़, विषम संख्या यहाँ पे क्या है, 8 है और क्या है, 1 है, इनका जोड़ कितना हो गया, 9। सम संख्या यहाँ पे एक ही है, उसका जोड़ कितना है, 2, 9 में से 2 गया 7। तो इनका अंतर करना आपको, सम संख्याओं का जोड़ जो सम स्थान पे दाईं तरफ से और विषम स्थान पे जो है उनका जोड़ करके देखिए अलग अलग, और फिर उस जो जोड़ है उसकी घटा करोगे, अगर वो घटा करने के बाद 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 11 से भाग होगी, वरना 11 से भाग नहीं होगी। हाँ, ये आपका माइनस में भी आ सकता है, घटा करोगे तो आप माइनस में भी आ सकता है। तो पहले का तो इसने दे रखा नहीं, दूसरी संख्या क्या दे रखी, 990 दे रखी, 990। तो कैसे करेंगे देखिए, 990 अब विषम संख्या, एक तो क्या है, 0 और एक क्या है, 9, तो 0 और 9 को जोड़ोगे आप कितना हो गया, जोड़ 9 हो गया। सम संख्या पे दूसरे नंबर पे, पीछे से दूसरे पे, वो कितना है, 9, 9 में से 9 घटाएं क्या आ गया, 0, बताया गया था, चाहे 0 आए चाहे 11 22 23 0 आ गया, तो ये संख्या 11 से भाग होगी, 11 से भाग होगी, संख्या 11 से भाग हो जाएगी। उसके बाद क्या, 1586, 1586 तो विषम, पहले पे क्या है 6, तीसरे पे क्या है 5, 6 और 5 कितना हो गया 11, फिर दूसरे पे क्या है 8, चौथे पे क्या है 1, 8 और 1, 8 कितने हो गए 9, और 11 में से 9 घटाएं कितने बचेंगे 2, तो ये ना तो 0 आया, ना 11 22 33 कुछ नहीं आया, तो ये संख्या भाग नहीं होगी, ठीक है जी। उसके बाद क्या है 275, अब 275 को देखेंगे, तो देखिए 275 विषम संख्या, विषम नंबर कौन कौन सा, 5 और 2, 5 और 2 को जोड़ो कितना जोड़ हो गया 7, सम नंबर पे दूसरे नंबर पे यानी कि जैसे कितनी 7, 7 में 7 गया 0, 0 आ गया, तो ये भाग हो जाएगी, तो 275 का क्या है, भाग हो जाएगी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। फिर क्या, 6686 को चेक करते हैं, 6686, 6 और 6 विषम अंक है, 6 और 6 का जोड़ कितना कर दिया 12, फिर क्या 8 और 6,
आठ और छः का जोड़ क्या हो गया, चौदह। बारह में से चौदह घटाएँ कितना बच गया, बारह में चौदह घटें कितना, माइनस दो बच गया। तो ना जीरो आया, ना ग्यारह आया, ना बाईस आया, तो ये भी भाग नहीं होगी भी, छः हज़ार छः सौ छियासी भाग नहीं होगी। फिर क्या है, छः लाख उनतालीस हज़ार दो सौ दस, थोड़ा सा बड़ा है इसमें और अच्छे से कर लीजिए, छः लाख उनतालीस हज़ार दो सौ दस। विषम अंक क्या है, जीरो दो और तीन, जीरो दो और तीन, कितना होगा जोड़ इनका, पाँच। सम पे क्या है, एक है, फिर क्या है, नौ है, फिर क्या है, छः है, छः, एक नौ और छः, तो नौ और छः पंद्रह, पंद्रह और एक सोलह, सोलह और पाँच का अंतर करो कितना आ जाए, ग्यारह आ जाएगा, ग्यारह आएगा तो संख्या क्या होगी, अगर इनका अंतर ग्यारह आ जाए, बाईस आ जाए, जीरो आ जाए, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ग्यारह से भाग होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। फिर क्या है, चार लाख उनतीस हज़ार सात सौ चौदह, चार लाख उनतीस हज़ार सात सौ चौदह, चार लाख उनतीस हज़ार सात सौ चौदह, चार सात और दो विषम अंक होंगे ना, चार सात और दो, चार सात दो, सात और दो नौ और चार तेरह, फिर सम पे कौन सी है, एक है, नौ है और चार है, एक नौ और चार, ये थे आपकी चार सात दो, सात हजार ग्यारह दो तेरह, और ये एक नौ और चार, तो नौ एक दस और चार चौदह, अंतर कितना है इनका, एक अंतर इनका, तो ये भी भाग नहीं होगी, भी चार लाख उनतीस हजार सात सौ चौदह भाग नहीं होगी। उससे अगली संख्या क्या है, दो हजार आठ सौ छप्पन, इसको चेक करते हैं, दो हजार आठ सौ छप्पन को, दो हजार आठ सौ छप्पन, इसका इसका जोड़ आठ और छः कितना हो गया, चौदह, फिर इनका जोड़ कितना आ गया, पाँच और दो सात, चौदह में से सात गया सात, तो ये भी भाग नहीं होगी भी, क्यों, जीरो आना चाहिए, ग्यारह आना चाहिए, बाईस आना चाहिए। अगली क्या है, तीन हजार साठ, तीन हजार साठ, तो किस किस का, इसका इसका जोड़ क्या है, जीरो, और इसका इसका जोड़ कितना है, नौ, अंतर कितना आएगा, नौ ही आएगा इनका, तो ये भी भाग नहीं होगी, और लास्ट में क्या आपकी, चार लाख छः हज़ार आठ सौ उनतालीस, चार लाख छः हज़ार आठ सौ उनतालीस, किस किस का जोड़ करेंगे, नौ और आठ सत्रह, सत्रह और चार इक्कीस, ऊपर से ही तीन और छः नौ, थोड़ा गलत कह देंगे, दोबारा देखिए, चार लाख छः हज़ार, चार लाख छः हज़ार आठ सौ उनतालीस, किस किस को जोड़ेंगे, नौ को, आठ को, और किसको, जीरो को, पहली तीसरी और पांचवी, तो नौ प्लस आठ प्लस जीरो कितने हो गए, सत्रह हो गए, फिर बच गए क्या आपका, तीन छः और चार, तीन छः और चार, तीन छः और चार, छः तीन नौ, नौ और चार तेरह, सत्रह में से तेरह कितने बच गए, चार, तो ये विभाग नहीं होगी। तो यहाँ अगर देखें हम दो ही आ रही हैं, एक तो ये है नौ सौ नब्बे और एक आ रही है आपकी छः लाख उनतालीस हज़ार दो सौ दस, दो ही आ रही इसके अंदर, सिर्फ दो ही जो भाग हो रही हैं, नौ सौ नब्बे हो रही है, फिर दो सौ पचहत्तर हो रही है, और फिर है छः लाख उनतालीस हज़ार दो सौ दस, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो इस ढंग से जो है आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। वैसे मैंने अभी अब तक सारी एक ही वीडियो के अंदर पूरी प्रश्नावली हल करने की कोशिश की है, लेकिन ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, आप तो इसमें खाली हाँ नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया ना तो पूरी की पूरी प्रश्नावली ही आ गई आपको, समझ लीजिए, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।